हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये देख सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, मैं माँ के घर आई हूँ, मायके में। और इस टाइम पे मैं अपने भैया भाभी के घर मिलने आई हूँ, भैया भाभी से। तो मैंने सोचा चलो भैया भाभी के घर का टूर कराती हूँ, आप सभी को भी दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखो, हरा हरा घास है, पेड़ पौधा, और जो आप ये बड़े बड़े पत्ते देख रहे हैं ना, तो कोपल के पत्ते हैं, इसकी सब्जी भी बनती है, तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो हमारे जो जो भाभी हैं, तो उन्हें काफ़ी शौक है पेड़ पौधों का, मतलब सब्जी लगाना, फूल वगैरह लगाना। तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने सब्जी भी लगा रखा है, बैंगन और बहुत सारे ऐसे सब्जी लगा रखे हैं। कोपल के पत्ते हैं, मिर्ची के पौधे हो गए, करेले के हो गए, बहुत सारे लगा रखे हैं। तो आपको वीडियो में देखने मिल जाएंगे, तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं मेरे ससुराल में ना ये सब हरे हरे, मतलब जैसे घास फूस खेत वगैरह देखने को मतलब नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पे जैसे आप मतलब टाउन में रहते हो, तो आप लोग जानते ही होंगे कि मतलब इतना कुछ नहीं देखने को मिलता है। और यहाँ पे मतलब यहाँ पे भी टाउन है, ये नहीं है कि मतलब ये भी मतलब ये गाँव और देहात है, बट यहाँ के लोग मतलब जैसे उस तरीके से घर बनाते, आगे में स्पेस भी छोड़ते हैं ना, तो अच्छा लगता है, थोड़ा गाँव वाला लुक भी दिखता है, तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो आप सब एंजॉय कीजिए। और ये देखिए, अभी हम लोग छत पे जा रहे हैं घूमने के लिए। तो यहाँ पर जो लोहा वाली सीढ़ी है, वो वाली सीढ़ी बनाई है भाभी ने। और सीढ़ी इन्होंने, सबसे अच्छा मुझे इनके घर में ये लगा, इन्होंने गार्डन से ही सीढ़ी बनाया है, बाहर से दिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप देख सकते हो, छत से तो और भी खूबसूरत और प्यारा नज़ारा है। तो आप देखिए, और यहाँ पे परी दौड़ रही है, इस परी को तो देखने को मिलता नहीं है, यहाँ बहुत ही खुश हो गई, सारे नज़ारा देखे तो। अब देख कितना तो ब्यूटीफुल नज़ारा है, मतलब देख के तो मन खुश हो जा रहा है। और ये हमारे भगना भगनी है, आई मीन भगना भगनी क्या, मतलब भतीजा भतीजी लगे ना, मैं बुआ लगी तो सॉरी। तो आप देखिए, इंजॉय कीजिए। आप सबने देख लिया कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा व्यू है घर के अगल बगल में, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। इतने दिनों बाद मैंने ये सब देखा, और दोनों बच्चे भी काफ़ी खुश हो रहे थे, बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। और थोड़ा छत पे हम लोग आए थे, तो थोड़ा मतलब भाभी ने जैसे अभी न्यू ही घर बनाया है, तो छत के साइड भी मतलब जैसे रेलिंग होता है, वो भी उन्होंने नहीं दे रखा है, अभी उनको टाइम लगेगा। तो थोड़ा डर भी लग रहा था, बच्चे काफ़ी गुरफाती कर रहे थे। तो अगल बगल भी घर काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत इन लोगों ने बना के रखा था। तो आप देख सकते हैं, हमारे जो भतीजे और भतीजी हैं, लड़की का नाम सगुन है भतीजी का, और भतीजे का नाम गोलू है। तो आप देखो, एंजॉय करो। यहाँ पे मैं इधर से उधर वॉक कर रही हूँ, घूम रही हूँ, और आज बहुत ही मतलब क्या बताऊँ दोस्तों, आज बहुत ही बुरा हुआ है। तो वीडियो में एंड तक बने रहे, मैं बताऊंगी, बहुत ही दुख की खबर है। और सबसे पहले तो आप सभी को दशहरे की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये वीडियो मैंने जैसे अभी नहीं शूट किया है, पहले की तरह मैं मतलब मैंने बताया था कि मैं माँ के घर जाऊंगी तो कुछ दिन रुकूंगी, बट मैं रुक नहीं पाई, कुछ प्रॉब्लम वजह से मुझे आना पड़ा। तो मैं फिर से अपने ससुराल आ चुकी हूँ, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी, तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं था और घर में भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। तो मैंने जो पहले की वीडियो शूट करके रखे,
तो मैंने सोचा चलो इसे ही पोस्ट करती हूँ धीरे धीरे। तो अभी तो नवरात्र का टाइम आ चुका है दुर्गा पूजा का, तो आप सभी को ढेर सारे दुर्गा पूजा की बधाइयाँ नवरात्र की। आप सब अब हैप्पी रहो और दुर्गा माँ आप सभी की जितनी भी ख्वाहिश है पूरी करें और आप लोग अच्छे से रहो। तो आज एक्चुअली हम लोग के घर में क्या हो गया, मतलब हमारे पापा है ना, पापा को मतलब जब भाभी भैया भाभी के घर से हम लोग घूम कर गए थे तो पता चला रात रात के टाइम था, 9 बज रहा था, तो हम लोग घर पे थे तो अचानक से कॉल आया कि पापा जी को ना सांप काट लिया। तो हम लोग तो डर ही गए थे और घर पे कोई था नहीं। मैंने पहले भी बताया कि हम 3 सिस्टर हैं और एक छोटा भाई है हमारा, तो हम लोग इतने डर गए थे। फिर मैं जल्दी से दौड़े दौड़े हम लोग तीनों बहन गए, तो फिर हम और हमारी सिस्टर पापा जी को लेके गए हॉस्पिटल। तो फिर भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है कि पापा जी को ज़्यादा कुछ हानि नहीं हुआ, डॉक्टर ने जल्दी से चेकअप किया तो फिर ठीक हो गए हैं, जो भी था निकल गया, जो विष वगैरह होता उन्होंने निकाल दिया। तो लास्ट में मैं वो वीडियो आपको क्लिप डाल दूंगी पापा जी का, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। और ये सब देखिए भाभी का, वो जो मैंने अभी दिखाया था वो गेस्ट हाउस था उनका, मतलब गेस्ट रूम था इनका, रूम हो गया, हॉल हो गया है ये। तो इनका भाभी मतलब न्यू ही इन्होंने घर बनाया है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ईयर्स हो रहे होंगे। और ये देख सकते हैं भैया सो रहे हैं अपने बेडरूम में और भाभी किचन में काम कर रही हैं, तो आप देख सकते हो। तो भाभी यहाँ पे हम लोग आए थे तो खाना बना रही थी, और ये रहा हमारी भाभी का प्यारा सा स्मॉल सा छोटा सा किचन, बहुत ही क्यूट है। और थोड़ा मतलब ये है क्योंकि भाभी अकेले रहती है ना, तो मतलब फिर भी बहुत अच्छा सीन हो रखा है। ये जो आप देख रहे हो ना बगल में जो दिख रहा है, तो ये भी भाभी की एक सिस्टर है लगती है, उन्होंने जमीन ले रखा है, तो भी बहुत जल्द घर बना के आने वाली है, यहाँ पे रहने वाली है। तो ये देखिए भाभी सब्जी बना रही हैं, आलू और बैंगन की भाभी सब्जी बना रही थी। तो चलिए अब पूजा रूम भी दिखाती हूँ भाभी का छोटा सा। तो देखिए भाभी ने पूजा रूम को भी बहुत अच्छे से डेकोरेट करके रखा है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था ना कि मैं जैसे यहीं पे डूब जाऊँ। मैं भाभी को बोल भी रही थी, भाभी मुझे ना आपका घर बहुत ही प्यारा लगा, मन कर रहा है मैं यहाँ से जाऊँ नहीं, मैं यहीं पे डूब जाऊँ। और ये बच्चों का रूम है, तो इसमें शगुन और बाबू दोनों सोते हैं, बेबी लोग का रूम है। तो जो जो हमारी भाभी के बच्चे हैं ना सगुन और बाबू, तो दोनों ना मतलब जुड़वे हैं, बस देखने में नहीं लग रहे हैं ना कि जुड़वे, बट दोनों जुड़वे हैं। और बाबू बड़ा है और सगुन जो है मतलब 1 मिनट की छोटी, लेकिन फिर भी सगुन बड़ी लगती है, तो दोनों ही जुड़वे हैं, बहुत ही क्यूट है दोनों। तो भाभी हमें बोल रही थी आप भी यहीं पे रह जाओ, आप क्यों उतना दूर है, सारे परिवार लोग इतने नज़दीक में, तो आप भी यहीं पर आकर बस जाओ। तो मैं बोली भाभी पॉसिबल नहीं है ना, अब आप जहाँ रहते हो तो वहाँ पर आपका काम है, आपके हस्बैंड का काम है, तो मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता ना अचानक से कहीं और जाके बस जाना। तो आप देख सकते हैं ऊपर से बहुत ज़्यादा मतलब, तो ऊपर हम लोग घूम लिए, मस्ती कर लिए, तो नीचे आ रहे, यहाँ से कितना प्यारा व्यू लग रहा है देखने में, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से उड़कर आ रहे हैं हम लोग, बहुत ही प्यारे लग रहा है। और हमें डर भी लग रहा था क्योंकि मुझे ना लोहा वाला सीढ़ी पे चढ़ने में मुझे बहुत डर लगता है और उतरने में भी। तो ये देखिए हम सभी लोग आ रहे हैं नीचे, हम लेके चलो अब सब नीचे चलते हैं। और ये देखिए सगुन है और आदर्श परी सब लोग आ रहे हैं। तो भाभी बुला रही थी कि आ जाओ खाना वाना बन गया है, अब आप लोग खाना खा लो, खाना का टाइम हो चुका है। मतलब वीडियो बनाते शूट करते करते टाइम का पता भी नहीं चला, ऊपर इतने देर हम लोग रह गए हैं, तो अभी कितना टाइम मतलब उतर कर हम लोग आ गए थे, फिर से दोबारा गए थे हम लोग छत पे, तो अभी कम से कम टाइम हो रहा होगा, अभी 2 बज रहे होंगे, 2 से 2:30 बज रहे होंगे। तो भाभी ने खाना उना बना दिया था, तो हम लोगों ने चला चलो खाना खा लेते, भाभी बोली। फिर हम लोग को घर भी जाना था, भाभी तो बोली आप आए हो तो रुको, घर मत जाओ, से रुक जाओ उसके बाद आप जाना। हम लेकिन नहीं भाभी चली जाती हूँ, क्योंकि घर पे मम्मी थी, जैसे मम्मी का घर पे मम्मी थी, मम्मी का तबीयत भी ठीक नहीं था, मतलब आज तो भगवान ने बहुत बाल बाल बचा लिया, नहीं तो हम लोग बहुत डर गए थे। मेरे मम्मी का तो रो रो का बहुत बुरा हाल हो गया था पापा का सुनकर, तो भगवान का बहुत ही कृपा है।
तो यहाँ पे भाभी ने ना एक छोटा सा स्ट्रॉबेरी का पेड़ लगाया है। तो मैंने आज तक कभी स्ट्रॉबेरी का पौधा नहीं देखा था। तो सगुन बोल रही थी, बुआ देखो स्ट्रॉबेरी मेरे मम्मा ने लगाया है। तो मैं वही देखने जा रही थी, मैंने कहा देखो कैसा स्ट्रॉबेरी है। बट पौधा ही दिखा क्योंकि स्ट्रॉबेरी कुछ दिन पहले फरा था तो इन लोगों ने तोड़ लिया। तो आप देख सकते हो इसके बगल में जो छोटा छोटा पौधा दिख रहा है ना आपको, तो पता है वो छुई मुई का पौधा है। उसे टच करते ही ना वो मुरझा जाता है। तो बहुत ही क्यूट लग रहा था, लेकिन वाह कितना प्यारा लग रहा है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाभी के घर पे आके, बहुत इंजॉय किए, बहुत मस्ती किए। मुझे भी जाने का मन नहीं कर रहा था बट जाना तो था। अब भाई सबके घर थोड़े थोड़े करके जाना, तो लेकिन चलो चलते हैं, मम्मा भी घर पे अकेली है। और ये भैया ने न्यू न्यू कार ही लिया है, तो मतलब भैया कार बाइक दोनों चला लेते हैं, तो न्यू ही कार है तो बस रखा ही हुआ था। तो अब देखिए हमने बहुत ही फुल मस्ती कर ली है। तब और क्या बोलूँ, अब वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो आज की वीडियो यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। मैं भी बहुत मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा। इतनी सारी वीडियो बना कर डालती हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, मतलब लाइक सब्सक्राइब कुछ नहीं। तो प्लीज़ यार जितने भी दोस्त लोग हैं प्लीज़ हमें भी सपोर्ट कीजिए। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, अकेली हूँ, कोई शूट करने वाला भी नहीं, खुद से सारा कुछ करती हूँ। तो प्लीज़ हमें भी सपोर्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे एंड में मैं पापा का वीडियो डाल दे रही हूँ। पापा हॉस्पिटल में, मैंने जो बताया कि उनको सांप काट लिया था, तो आप देख लीजिए। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।